Hello dear 9th class students. So today we will do part 2 of chapter 1, that is matter in our surroundings. Last class mein humne padha tha that what is solid, what is liquid and what is gaseous. Aur ye sari states kaise exist karti hain. To aaj hum aage padhte hain iske bare mein ki ye state change kaise hoti hai. Solid se liquid kaise banta hai aur liquid se gas kaise banta hai. सॉलिड का एग्जाम्पल एक अच्छा सा लेते हैं, आइसक्रीम। आप अपने फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, उस बर्फ को अगर बाहर करते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो लिक्विड में आ जाती है, मींस पानी की स्टेट में आ जाती है। बट अगर उस पानी को हम एक पतीले में उबालें तो वो वेपर्स की स्टेट में, गैसियस में चली जाती है ना। तो इसी के बारे में आज स्टडी करते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड, and when a liquid is heated it changes into gases, and when a gas is cooled, agar hum is gas ki state ko cool karenge to wo liquid mein aa jayega, aur agar hum is liquid ko aur cool kar dete wo solid state mein aa jayega. So it's a reversible process. So if we suppose take an ice ke andar dekho kya hai, ice ke andar totally solid hai. Solid ka matlab kya hota hai, jisme jo atoms aur molecules hote hain wo ek sath combinedly joined hote hain. अगर हम इसको मेल्ट करते हैं वो पानी बन जाएगा, तो पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में दूर दूर एटम्स आ जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं हम इसको बॉयल कर रहे हैं या स्टीम कर रहे हैं तो ये गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में और दूर दूर पार्टिकल्स चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट्स इन अ मैटर। सो इफ वी सी दिस डायग्राम केयरफुली, दिस इज आइस। आइस के पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं बट मूव नहीं कर सकते। वाटर के पार्टिकल्स दे कैन मूव, बट अगर हम बात करते हैं गैसेस के, गैसेस के बहुत फार अवे होते हैं तो ये बहुत क्विकली मूव करते हैं। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग का अनदर नेम इज फ्यूजन। जब एक सॉलिड को अगर हम हीट कर देते हैं, जब एक सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट, पार्टिकल्स वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं विद द ग्रेटर स्पीड, क्योंकि हम नीचे से उसको क्या दे रहे हैं, स्पीड पर उसको हीट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, बड़ी फास्टली मूव करता है। देन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आपने याद रखना है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मींस कितने केल्विन, 273 केल्विन। बात करते हैं नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे पता चलता है हमें। सपोज अगर हम इसके नीचे से बॉयल कर रहे हैं इसको, तो वो सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम थर्मामीटर लगाते हैं तो उससे हमें प्रॉपर रीडिंग मिल जाती है। नाउ व्हाट इज बॉयलिंग, हमने पढ़ तो लिया कि आइस वाला फंडा तो क्या है, अब बॉयलिंग क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, अब बॉयलिंग पॉइंट क्या होता है। जब हम एक पानी को बॉयल करते हैं मीन्स हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स और फास्टर मूव करते हैं, क्योंकि पहले तो वो लिक्विड की स्टेट में है, दूर दूर है, अब वो गैसियस के स्टेट में जाएगा मींस और दूर दूर जाएंगे पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने एक पॉइंट को नोट करना है कि जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है। दो फिनोमिना होते हैं हमारे पास, सरफेस एंड बल्क। सरफेस मीन्स ऊपर, बल्क मीन्स नीचे। जब भी आप बॉयल दोगे आप नीचे से ही दोगे ना, गैस तो नीचे से ही ऑन करते हो, यहीं से हीट ऊपर जानी स्टार्ट होती है। सो दिस इज अ बल्क फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में, राइट। इस एक्सपेरिमेंट को भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें थर्मोमीटर लगा के देख सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर फटाफट से चेंज होता है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूल्स जैसे सॉलिड हैं, ये कोल्ड हैं, अगर आप इसको थोड़ी देर बाहर रखते हो, ये जो एकदम जॉइंट एटम्स हैं ये आपस में दूर दूर हो जाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड सपोज ठंडा पानी रखा
तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा गैप है, बट अगर हम उसको थोड़ी देर ठंडे पानी को बाहर रखते हैं तो पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सॉलिड से लिक्विड मेल्ट किया, लिक्विड से गैस बॉयल किया, लेकिन अगर हम सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट बनाना चाहते हैं उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फिटकरी। फिटकरी को हम बोलते हैं कैम्फर। अगर एक चाइना डिश में आप कैम्फर रखते हैं तो आपको कुछ दिनों बाद वो कैम्फर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज अगर हम उसको हीट दे रहे हैं वो वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब सॉलिड, ये देखो कैम्फर तो सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेम इज द केस विद फिनाइल्स। आपको पता है हम अपने घर के वॉश बेसिन्स में फिनाइल की कुछ कुछ गोलियां रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं वो गायब हो जाती है। वो गायब नहीं होती, वो सॉलिड सीधा कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में, राइट? उसके बाद हमारे घर पे, हमारे वॉशरूम में हम छोटे छोटे पैक्स रखते हैं, है ना, फ्रेग्रेंस के लिए। वो पैक सॉलिड में होता है, लेकिन अगर हम उसको ओपन करके रख दें वो कुछ दिनों बाद ही गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट होके उसकी जो कवरिंग है वो खाली हो जाती है। तो आप ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने एक चाइना डिश ली और अमोनियम क्लोराइड लिया और उसके ऊपर फनल उल्टी करके रखी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी करके रखी, और ऊपर लगा दिया कॉटन प्लग। कॉटन प्लग लगा के नीचे से हीट किया तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, जो कि यहाँ स्टिक हो गए, बाहर तो जा नहीं पाएंगे, यहाँ कॉटन से बंद कर रखा है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस? प्रेशर का क्या इफेक्ट है गैसेस के ऊपर? व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस, गैस के पार्टिकल्स आसपास आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर लग रहा है ऊपर से। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। कंप्रेस सॉलिड CO2 इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ये क्वेश्चन बहुत आता है, राइट? अगर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो इट डायरेक्टली चेंजेस टू गैस विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, ये प्रेशर लगाया जा रहा है ऊपर पिस्टन से। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? देखो, द स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया फ्यूजन से, है ना, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग से। लिक्विड को गैसेस में चेंज किया इवेपोरेशन प्रोसेस से, और गैसेस को सॉलिड में चेंज किया सब्लिमेशन से, और सॉलिड को गैस, वो भी सब्लिमेशन। अब गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, ठंडा करना, है ना, और लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, जिसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, राइट? अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। दैट व्हाट इज इवेपोरेशन? चेंज ऑफ लिक्विड इन टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। अभी आपने क्या पढ़ा था, जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है, लेकिन इवेपोरेशन कहाँ से होती है? सरफेस से। सरफेस से वेपर्स बनने स्टार्ट होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन कॉज करते हैं? द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया। आप कितनी बड़ी चीज ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है आप कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, कितनी ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड उसको मिल रही है। इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, लेकिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। अगर विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यहाँ नीचे से नहीं होती, बल्क फिनोमिना नहीं है, वो क्या है? सरफेस फिनोमिना। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या, कैसी एनर्जी रहती है जब हम इवेपोरेट करते हैं। देखो, जो बल्क होती है उसमें लोअर एनर्जी रहती है, जो बीच वाला एरिया उसमें मीडियम एनर्जी रहती है, लेकिन अगर हम बात करें ऊपर की सर्फेस की, वहां क्या रहती है? हाइएस्ट एनर्जी रहती है इवेपोरेशन की। नाउ वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। देखो, जब भी एक लिक्विड इवेपोरेट होता है, मींस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेट का मतलब क्या होता है? अगर आपने पतीले में पानी रखा, ऊपर ढक्कन लगाया, तो हम क्या देखेंगे? उस ढक्कन पे बूंदे जम जाती हैं, दैट इज इवेपोरेशन। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। हमारे
आसपास के सराउंडिंग्स ने उसको हीट लिया और उसको इवेपोरेट कर दिया। जैसे ही इवेपोरेशन होती है क्या हो जाती है, कूलिंग। सपोज आप छत पे गर्म पानी डाल रहे हैं, तो गर्म पानी डाल के नीचे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है और नीचे कूलिंग हो रही है, ठीक है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर अब्सॉर्ब्स हीट एंड मेक्स अ हॉट सर्फेस कूल। हॉट सर्फेस हमारा फाइनली क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर। समर के दौरान हम लोगों को बहुत पसीना आता है। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेक्स द बॉडी कूल, ठीक है। Wearing cotton clothes in summer keeps us cool. Why? Because cotton absorbs the sweat. Sweat को absorb करते हैं और sweat evaporate हो जाता है और हमारी body क्या हो जाती है, cool हो जाती है. Now, how evaporation cooling works? यहाँ से warm air आई, suppose करो ये हमारा cooler है. Cooler के बाहर लगे होते हैं ना वो फरफर type से, desert cooler के बाहर. Warm air अंदर गई. अब आपको पता है कूलर के यहाँ नीचे पानी आता है, रोज कूलर में पानी भरते हैं, वो पानी कहाँ जा रहा है, नीचे तो गिरता नहीं। वार्म एयर अंदर आई, इसने इवेपोरेशन प्रोसेस किया, बाहर से क्या भेजा, इवेपोरेटिव वाटर, एंड अंदर हमें क्या मिला, फाइनली कूलर एयर। सो दिस इज हाउ द डेजर्ट कूलर वर्क्स। दिस इज द फिल्टर और ये पंप पानी देता है। फिल्टर क्या करता है, इवेपोरेशन प्रोसेस करता है और फाइनली हमें पंखे से कौन सी हवा आती है, cool, right? So this was our chapter 1, matter in our surroundings. We completed our chapter via 2 sessions. You have to read this chapter in detail, then we will cover the question answers and the notes portion. Thank you.